नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ओगामेडी आज कालवी गांव पहुंचे हैं। पाक दस्तूर कार्यक्रम और लोकेंद्र सिंह कालवी की महाश्रद्धांजलि जो आज का कार्यक्रम है, उन्होंने उनको पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित करी और उन्हें नमन किया। साथ ही उसके बाद में उनके पाक दस्तूर कार्यक्रम में जो उनके बड़े पुत्र भवानी सिंह को पगड़ी पहनाई गई, उसमें वो शामिल हुए और फिर मीडिया से उन्होंने बातचीत करी लोकेंद्र सिंह कालवी के जीवन को लेकर। और उन्होंने कहा कि लोकेंद्र सिंह कालवी ने करणी सेना जैसी संस्था बनाई और हमारे जैसे उन्होंने लोग तैयार किए जो आज समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। और लोकेंद्र सिंह कालवी के लिए उन्होंने बहुत कुछ मीडिया से बात करते हुए बोला है जो हम आपको दिखाएंगे। सुखदेव सिंह ओगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष हैं और लगातार वो समाज के लिए काम कर रहे हैं। अभी 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत भी करने वाले हैं। कालवी पहुंचकर उन्होंने लोकेंद्र सिंह कालवी के जीवन और उनके द्वारा समाज सेवा में करे गए कामों को लेकर कहा कि ऐसे लोग कभी कभी ही जन्म लेते हैं जो समाज सेवा के लिए, सर्व समाज के हित के लिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि लोकेंद्र सिंह कालवी ऐसे नेता थे जो राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर चलते थे। सभी समाजों को संगठित करके उनको साथ लेकर चलने का हुनर उनमें था। तो देखिए सुखदेव सिंह ओगामेडी का ये बयान कालवी में। कालवी साहब वो शख्सियत थी जो समाज के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर के चलते थे और हम मेरे जैसे हजारों युवा उन्होंने तैयार किए हैं जो आज पूरे देश के अंदर हम लोग करनी सैनिकों के रूप से जाने जाते हैं। सर्व समाज के लिए इनकी जो क्षति हुई है वो बहुत ही भगवान सिंह चरणों में जगह थे। और कालवी जैसी शख्सियत कभी कभी अवतार के रूप में मेरा